हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन। तो आज मैं मेट्रोलॉजी के पार्ट थ्री के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं फिट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। पार्ट वन और पार्ट टू मेरे यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लियरेंस फिट के बारे में, इंटरफेरेंस फिट के बारे में और ट्रांसल्यूटेंट फिट के बारे में। तो उसके डायग्राम के बारे में, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और जो स्टूडेंट, जो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि फिट होता क्या है। मेट्रोलॉजी में जो फिट वर्ड है, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो फिट मेनली हमारा क्या होता है, फिट इज द असेंबली कंडीशन between shaft and hole। ठीक है, यानी फिट हमारी वो असेंबली कंडीशन है जो कि हमारा शाफ्ट और होल को कनेक्ट करती है, यानी आपस में जोड़ती है। ठीक है, अब बात आती है कि शाफ्ट और होल क्या चीज है, तो वो भी देख लेते हैं हम यहां पे। मेट्रोलॉजी की लैंग्वेज में अगर देखें तो मेट्रोलॉजी विषय में अगर हम शाफ्ट और होल की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम बात करते हैं शाफ्ट की। ठीक है, तो शाफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, इट इज इंगल्फिंग। ठीक है, इंगल्फिंग का मतलब समावेशित करना। ठीक है, मतलब जो हमारा शाफ्ट है वो समावेशित किया जा रहा है किसमें, होल को जान लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, इट इज बीइंग इंगल्फिंग हो जाएगा, ये मैं यहां पे कोई समावेशित किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज इंगल्फिंग द अदर कंपोनेंट, द अदर कंपोनेंट। ठीक है, यानी इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि जो होल है इसमें समावेशित किया जा रहा है, जो कि हमारा होल होगा इसमें हमारा समावेशित किया जा रहा है किसको, तो शाफ्ट को। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये बात होगी मैं फिट के बारे में बात कर लेते हैं। फिट हमारे होते कितने टाइप के हैं, तो मेनली हमारे थ्री टाइप के होते हैं। तो इसको हम पहले रफ कर देते हैं। तो मेनली इसके तीन टाइप होते हैं। पहला जो इसका टाइप होता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट। सेकंड जो इसका टाइप होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। और जो इसका थर्ड टाइप होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूटेंट फिट। ठीक है, तो ये तीन टाइप होते हैं हमारे फिट में। इन्हीं तीन टाइप के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लियरेंस फिट के बारे में, बाकी लोग हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है क्लियरेंस फिट का, तो क्लियरेंस फिट हमारा होता क्या पहले वो जान लेते हैं हम। तो क्लियरेंस फिट में हमारा जो होल होता है वो हमारा शाफ्ट से बड़ा रखा जाता है, कुछ उसमें कुछ क्लियरेंस हमारा दी जाती है, जिससे कि हमारा जो शाफ्ट होता है वो होल के अंदर रोटेट कर सके, या तो हमारा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या स्लाइड कर सके। ठीक है, तो ये बात होगी मैं क्लियरेंस फिट के बारे में, जान लेते हैं क्लियरेंस फिट को। ठीक है, तो इसमें जो मैंने जेड दिखाया है, जो जेड मैंने हाईलाइट करा वो हमारा उतना हमारा क्लियरेंस दिया गया है इसमें होल में। ये हमारा हो जाएगा होल, ये हमारा होल है और ये हमारा शाफ्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो हमने रेड मार्कर से दिखाया हुआ है ये हमारा इतना क्लियरेंस दिया हुआ है, इसी तरह हमारा शाफ्ट में भी कुछ क्लियरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें होल का जो लोअर लिमिट है
ठीक है, होल की जो लोअर लिमिट है और शाफ्ट की जो अपर लिमिट होगी उसको हम कहेंगे मिनिमम क्लियरेंस। ठीक है, इसी तरह जो होल की जो मैक्सिमम लिमिट होगी, मैक्सिमम जो क्लियरेंस होगा और जो शाफ्ट का मिनिमम क्लियरेंस होगा उसको हम कहते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस। मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। बात कर रहे हैं अगर हम मैक्सिमम क्लियरेंस के बारे में, मैक्सिमम क्लियरेंस के बारे में बात अगर हम यहां पे करते हैं तो हमारा फॉर्मूला इसका जो बन के आता है वो क्या हो जाएगा हमारा, अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, इसी तरह अगर हम मिनिमम क्लियरेंस के बारे में बात करें, मिनिमम क्लियरेंस के बारे में अगर हम बात करें यहां पे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस का अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ये वो दो फॉर्मूले जो कि आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो ठीक है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो उससे पहले हम इस डायग्राम को रफ कर देते हैं यहां पे। ठीक है, तो जैसा कि यहां पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है क्लियरेंस फिट से रिलेटेड, जिसमें कि हमारा शाफ्ट दे रखा है और उसकी हमारी कुछ डायमेंशन दे रखी है, जैसे कि हमारी जो बेसिक साइज दे रखा है 25 दे रखा है, उसके जो डेविएशन दे रखे हैं प्लस 0.40 माइनस 0.10। इसी तरह हम होल की जो हमारा बेसिक साइज है 25 दे रखा है, जो डेविएशन दे रखा है वो हमारा कितना है 0.20 और 0.00। ठीक है, तो इसमें हमारा पूछा गया है मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा गया है और मिनिमम क्लियरेंस के बारे में पूछा गया है। तो पहले मैक्सिमम क्लियरेंस में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्लियरेंस मैंने इसीलिए नीचे वाला फॉर्मूला रफ नहीं करा, जिससे कि आपके दिमाग में फॉर्मूला बना रहे। जितने आप न्यूमेरिकल लगाएंगे फॉर्मूला उतना ही माइंड में क्लियर होता जाएगा और फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस निकाल लेते हैं। अपर लिमिट ऑफ होल, होल की हमारी जो अपर लिमिट होगी क्या हो जाएगी, हमारी होल की जो अपर लिमिट होगी 25 प्लस 0.20। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 यानी 25.2 लिख सकते हैं ये 0.20। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट 25 माइनस 0.1 तो कितना हो जाएगा हमारा 24.90। ठीक है, आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारा 0.30। ठीक है, अगर हमारा बात कर रहे हैं माइक्रोमीटर में, कुछ भी आपका दिया हो तो आंसर भी हमारा किस में हो जाएगा, माइक्रोमीटर में। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस फॉर्मूले में मिनिमम क्लियरेंस फाइंड करें, मिनिमम क्लियरेंस फाइंड करें तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट ऑफ होल, होल की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 25.00। ठीक है, माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 25.4। ठीक है, तो हमारे जो इसका आंसर क्या आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा 0.40 अगर हम कर दें किसमें, माइक्रोमीटर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसके क्लियरेंस फिट के बारे में। तो अब हम इसके अगले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, इंटरफेरेंस फिट के बारे में। तो उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरे टाइप के इंटरफेरेंस फिट के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं इंटरफेरेंस फिट होता क्या है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस फिट हमारा वो फिट होता है जिसमें कि हमारा जो होल होता है वो हमारे शाफ्ट की तुलना में कम होता है, जो होल का साइज होता है वो हमारे शाफ्ट के साइज की तुलना में कम होता है। इसीलिए हम जो शाफ्ट को होता है वो हम इस पे फोर्स की मदद से, फोर्स की हेल्प से होल में फिट करते हैं। ठीक है, तो तभी इसके हमारे दो और नामों से इंटरफेरेंस फिट को जाना जाता है। पहला जो नाम है इसको हम कहते हैं प्रेस फिट। ठीक है, और एक और नाम उसे इसको हम जानते हैं फ्रिक्शन फिट, फ्रिक्शन फिट। ठीक है, तो नाम से जैसा कि आपको पता चल रहा है प्रेस फिट, तो इसमें जो हमारा जो होल का साइज होगा वो शाफ्ट के साइज की तुलना में कम होता है। तो यहां पे जैसा कि मैं दिया गया जो मिनिमम इंटरफेरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम इंटरफेरेंस होगा होल का जो मैक्सिमम लिमिट होगी और जो शाफ्ट की होगी वो लोअर लिमिट होगी, उसको हम कहते हैं मिनिमम इंटरफेरेंस। इसी तरह जो हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा वो होगा हमारा होल की जो मिनिमम, जो मिनिमम लिमिट होगी यानी जो लोअर लिमिट होगी, और जो शाफ्ट की होगी अपर लिमिट होगी उसको हम कहते हैं मैक्सिमम इंटरफेरेंस।
फॉर्मूला में लिख देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बारे में बात करें, मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बारे में बात करें तो ठीक है, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बारे में अगर हम बात करें यहां पे तो क्या हो जाएगा हमारा अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट की अपर लिमिट हम ले रहे हैं तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट ठीक है माइनस होल का हम लेंगे यहां पे तो होल के में कौन सी लिमिट ली जा रही, लोअर लिमिट। देख सकते हैं आप डायग्राम में कौन सी लिमिट ली जा रही होल की, लोअर लिमिट, तो माइनस का लोअर लिमिट ऑफ होल। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस का। इसी तरह यहां पर मैं लिख देता हूं मिनिमम इंटरफेरेंस का, मिनिमम इंटरफेरेंस ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस का, तो आप देख सकते हैं होल की जो अपर लिमिट है और जो शाफ्ट की हमारी लोअर लिमिट है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस का अपर लिमिट ऑफ होल। ये हमारा होल है ठीक है, और ये हमारा शाफ्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की जो हम ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, लोअर लिमिट ले रहे हैं और ठीक है, और होल के हम क्या ले रहे हैं अपर लिमिट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस ऑफ होल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक सवाल देख लेते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। जैसा कि हमारा इंटरफेरेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दे रखा हुआ है जिसमें हमारा होल का बेसिक साइज 25 दे रखा है और शाफ्ट का भी बेसिक साइज हमारा 25 दे रखा है और जिसका अपर डेविएशन है 0.20 और लोअर डेविएशन कितना देखा है माइनस का 0.10। हमारा इसमें पूछा गया है मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। फॉर्मूला क्या था इसका, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस का लोअर लिमिट ऑफ होल। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट मतलब कितना है 25.20 ठीक है माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल मतलब कितना हो जाएगा 24.60 ठीक है। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अगर हम इसको लेस करें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहां पे 0.60। अगर हमारा वैल्यू माइक्रोमीटर में दी होगी तो आंसर भी हमारा माइक्रोमीटर में ही आएगा। ठीक है, बात हो गई मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बारे में, चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं हम मिनिमम इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटरफेरेंस। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा हमारा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस का अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, अगर आप हमारी आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है समझ आ रही है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ हमारे शाफ्ट कितनी हो जाएगी यहां पे 24.90 माइनस अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल हमारा कितना हो जाएगा यहां पे 24.80। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 0.10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे किसके बारे में, इंटरफेरेंस के फिट के बारे में हमने बात कर ली यहां पे। अब इसके लास्ट जो इसका टाइप है ट्रांसिटियन फिट उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके लास्ट टाइप के बारे में ट्रांसिटियन फिट के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसिटियन फिट में हमारा क्या होता है, हमारे कुछ जो शाफ्ट के साइज होते हैं, कुछ शाफ्ट के जो साइज होते हैं हमारे वो होल से छोटे होते हैं। ठीक है, कुछ शाफ्ट के साइज हमारे होल से छोटे होते हैं और कुछ शाफ्ट के साइज हमारे होल से बड़े होते हैं, जिसका अर्थ है हमारा ट्रांसिटियन फिट में हमारा क्लियरेंस फिट भी मिलेगा और इंटरफेरेंस फिट भी मिलेगा। ठीक है, क्लियरेंस फिट भी मिलेगा और इंटरफेरेंस फिट भी
मिलेगा इसमें। ठीक, अब कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट है मेट्रोलॉजी के फिट चैप्टर से वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, तो वो नोट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। तो इसको हम पहले रफ कर देते हैं और जल्दी से वो नोट लिख देते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो पहला नोट हमारे यहाँ पे दे रखा है, इन क्लियरेंस फिट क्लियरेंस जोन ऑफ शाफ्ट इज लोअर देन क्लियरेंस जोन ऑफ होल। जिसका मतलब हमारा क्लियरेंस फिट में जो कि हमारा शाफ्ट का क्लियरेंस जोन होगा वो होल के क्लियरेंस जोन से छोटा होगा। गॉट इट। सेकेंड टाइप इसका क्या, सेकेंड जो पॉइंट है इसका, इन इंटरफेरेंस फिट टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन टॉलरेंस जोन ऑफ होल। ठीक है, इसका क्या कहना है, इंटरफेरेंस फिट में जो हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होगा वो हमारे होल के टॉलरेंस जोन से बड़ा होगा। ठीक है, लास्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इन ट्रांसिटियन फिट टॉलरेंस जोन ऑफ बोथ वीक एंड ओवरलैप। ठीक है, जो कि हमारा ट्रांसिटियन फिट होगा उसका जो है टॉलरेंस जोन होगा वो हमारा ओवरलैप करेगा शाफ्ट और होल के बीच में। ठीक है, तो जो इसका हमारा जो रेंज डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा वो मैं यहां बना के आपको दिखा देता हूं। जो पहले पॉइंट का हमारा जो रेंज डायग्राम होगा क्लियरेंस फिट में वो हमारा कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा शाफ्ट होगा क्या कह रहा है यहां पे, हमारा शाफ्ट जो होगा वो होल के क्लियरेंस जोन से छोटा होगा। ठीक है, तो जो होल होगा उसका क्लियरेंस जोन हमारा ऊपर आ जाएगा होल का, और जो शाफ्ट का क्लियरेंस जोन होगा वो हमारा नीचे आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये किसके बारे में बात हो गई, हमारा फर्स्ट पॉइंट का रेंज डायग्राम। अब इसी तरह सेकंड पॉइंट का रेंज डायग्राम देख लेते हैं हम, ये किस टाइप का बनेगा। हमारे इसमें क्या बोल रहा है, जो इंटरफेरेंस का टॉलरेंस जोन है, ठीक है, इंटरफेरेंस में जो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है वो हमारा होल के टॉलरेंस जोन से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम किस तरह से बन जाएगा, शाफ्ट का इसमें टॉलरेंस जोन बड़ा है तो जो हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होगा वो हमारा बेसिक साइज के ऊपर होगा। ठीक है, और जो होल का टॉलरेंस जोन होगा वो बेसिक साइज के हमारे नीचे होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसका तीसरा जो पॉइंट है उसका डायग्राम देख लेते हैं हम जल्दी से। ठीक है, मैं छोटा छोटा बना रहा हूं, तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा हमको, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या कह रहा है, ट्रांसिटियन फिट में जो टॉलरेंस जोन होगा वो हमारा ओवरलैप करेगा। ठीक है, वो हमारा ओवरलैप करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये ओवरलैप करेगा, तो या हमारा ये शाफ्ट हो सकता है, ये होल हो सकता है, या फिर ये भी हमारा होल हो सकता है और ये शाफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो अब आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हेल्पफुल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।